हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जस्ट मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि हम इसको कैसे इसको यूज करके कहां पर यूज कर सकते हैं और इसको हम अप्लाई करने के लिए हमारे पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट भी होनी बहुत ज़रूरी है और नेट बैंकिंग भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है। बिना नेट बैंकिंग के आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। नेट बैंकिंग से हमारे को ई ना सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइनली लिमिट अप्रूवल होती है। मेरी लिमिट आई है 8000 रुपये की। 8000 रुपये की लिमिट में अब इसमें एक न्यू फीचर्स भी आ गया। पहले इसमें हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर ही इसको लगभग इसको यूज कर सकते थे। अब इन्होंने एक नवा ऑप्शन आ गया है बिल पे का। हम इसमें बिल पे को मैं दिखाता हूँ आपको। बिल पे का नवा ऑप्शन आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पाइप गैस, वाटर, ब्रॉडबैंड और मोबाइल पोस्टपेड। अब हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हम अपना बिजली का बिल भी भर सकते हैं, अपना पोस्टपेड का रिचार्ज कर सकते हैं और ब्रॉडबैंड का भी रिचार्ज कर सकते हैं। हम इसकी लिमिट को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि ये बैंक में इस अमाउंट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम अमेजोन पे इसमें क्रेडिट वाउचर में लेकर दिखाता हूँ कि इसमें ईएमआई कैसे बनती है और क्या होता है। 8000 रुपये की मेरी लिमिट है, मैं सिलेक्ट ईएमआई प्लान पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये हमारे को डिडक्ट कर देगा सीधा गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद ये हमारे को अपनी ईएमआई 3 मंथ और पे ईएमआई पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारे को 6 मंथ के लिए 1453 रुपये किस्त बनेगी, हमें 6 मंथ देनी पड़ेगी। और अगर मैं इसको 9 मंथ के लिए लेता हूँ तो मेरे को 1004 रुपये इसमें मेरी ईएमआई बनेगी। मैं इसको फ्लिपकार्ट ऑनलाइन और अमेजोन ऑनलाइन पे भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ और मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकता हूँ। अगर आपको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और नेट बैंकिंग की इसमें जरूरत पड़ेगी, आप भी इसको जाकर चेक कर सकते हैं। आपका जो भी लिमिट आएगी वो आपके सिबल के ऊपर आएगी। जितना भी आपका सिबल अच्छा होगा तो आपको 20,000, औरों को 50,000 की भी लिमिट मिल चुकी है, किसी को 10,000 की लिमिट मिली है। अगर आपका सिबल अच्छा होगा तो आपको भी लिमिट इसकी अच्छी मिल जाएगी। और मेरे चैनल का नाम है मुकेश कुमार लोन हेल्प चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। जो भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ ईएमआई के ऊपर ही लेकर आता हूँ। थैंक यू दोस्तों।